लोग गजब का स्वागत है वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाले आईएसएल के मैच के बारे में। आज है मैच एफसी गोवा वर्सेस बैंगलोर एफसी। एक बहुत बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा मैच होने वाला है क्योंकि गोवा के दो मेन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। बैंगलोर के लिए जीतना बहुत वाइटल है ताकि वो इस कंपटीशन में एक अच्छे खासे पोजीशन में रहे। वैसे बैंगलोर का सीजन का स्टार्ट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो पेस पकड़ा एंड एक अच्छा खासा होल्ड दिखाया स्पेसिफिकली अपने लास्ट मैच में। एंड आज का ये जो मैच है, आज वैसे एक ही मैच है, ये मैच है 8 बजे एंड ये बैंगलोर का होम मैच होने वाला है। गोवा का ये सेकेंड अवे मैच होगा। वैसे गोवा का अभी तक का तो खैर पोजिशन बहुत अच्छा है, बहुत सॉलिड एक लाइक यू नो पोजिशन गोवा ने होल्ड किया है। करेंटली वो सेकेंड पोजिशन में है एंड अगर गोवा ये मैच जीत जाते हैं तो वो डायरेक्टली फर्स्ट पोजीशन में चले जाएंगे, जो कि उनके लिए बहुत ही बढ़िया बात होगा। कि इस बार जैसे प्रेडिक्ट किया जा रहा है, गोवा और मोहन बगान के बीच में सबसे ज्यादा टक्कर का कंपटीशन हम लोग देखने वाले हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। एंड बैंगलोर के लिए भी काफी बड़ा एक लाइक यू नो एक एडवांटेज आप बोल सकते हो, या फिर एक पोजीशन है, सिचुएशन है। अगर बैंगलोर ये मैच जीत जाते हैं तो वो डायरेक्टली फिफ्थ पोजीशन में चले जाएंगे। सिर्फ उनको जीतना है इस मैच को, ड्रॉ से तो कुछ नहीं होगा। मतलब ड्रॉ से मैक्स टू मैक्स वो 8th पोजीशन में जा सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर वो जीत जाते तो वो डायरेक्टली 5th पोजीशन में चले जाएंगे। तो बैंगलोर का डेफिनेट टारगेट रहेगा इस मैच से पूरा 3 पॉइंट्स लेने का। एंड टीम भी काफी वेल प्रिपेयर्ड है, बट वो गोवा के अगेंस्ट में खेल रहे हैं। गोवा का टीम बहुत स्ट्रांग है, फुल ऑन अटैकिंग मोड में वो लोग खेलने वाले हैं। एंड ऑलरेडी लाइक गोवा ने एक मैच खेल लिया है लाइक जो इंटरनेशनल विंडो के बाद, तो टीम का जो सेटलमेंट है वो भी काफी हद तक फिर से रीअश्योर्ड हो चुका है और टीम भी काफी ज्यादा वेल्ड यू नो वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम कर रहा है गोवा का टीम। बट हाँ, इस मैच में नोवा सजावी नहीं खेलने वाले, ब्रैंडन का भी कोई श्योरिटी नहीं है, शायद ब्रैंडन को बेंच में रखा जाए। बट फिर भी गोवा की टीम में इतना स्ट्रेंथ है कि उनके उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो लोग निकाल लेंगे मैच को, फिर भी निकाल लेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस देख के अच्छा लग रहा है। अब वहीं पर अगर हम लोग बैंगलोर का बात कर ले तो लाइक बैंगलोर की टीम में कुछ प्रॉब्लम्स तो फॉर श्योर है, उसको लेके कोई क्वेश्चन नहीं है कि प्रॉब्लम्स है स्क्वाड में, लेकिन वो किस हिसाब से चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं वो देखना काफी होगा। कोच का क्या कॉल होता है, लाइक साइमन ग्रेसन के हिसाब से टीम को पूरा प्लेस करते हैं, सुरेश सिंह वेल्जियम का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, जावी हर्नांडिस का रोल डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड सुनील छेत्री तो उनका रोल इंपॉर्टेंट होगा ही। अब कर्टिस मेन जो कि एक्चुअली फॉरवर्ड प्लेयर है, उनसे जिस लेवल का एज अ फॉरेन प्लेयर एक्सपेक्टेशन था वो कई लाइक यू नो हद तक पूरा नहीं हुआ है। स्लैपको डमजनोविच और यू नो पराग श्रीवास, इनका रोल डिफेंस में बहुत वाइटल होगा। सो इनको काफी अच्छा खेलना होगा तब जाके गोवा जैसे इतने हैवीवेट टीम को बैंगलोर रोक पाएंगे। एंड मैनुएल मार्कस रुका तो एकदम ऑल गन्स प्लेस्ड निकलने वाले इस मैच के लिए एंड फुल्ली प्रिपेयर्ड है। सो देखते हैं कि इस मैच का रिजल्ट फाइनली क्या होता है एंड आपकी क्या प्रेडिक्शन इस मैच को लेकर, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के बीच में एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना एंड बेल आइकन दबा देना ताकि मैं जब भी अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड मैं दोस्तों के साथ तब तक के लिए बाय।